सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। दीक्षित जी, इस अध्यक्ष पद के चुनाव में आपकी मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जनता के लिए? जी, ये है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं नगर पालिका में है उनकी पूरी मेरी कोशिश होगी कि सही ढंग से सुचारू रूप से लोगों के काम हो। समस्याएं जो यहाँ बस्ती में है, जाम की स्थितियाँ बहुत ख़राब है। सबसे पहले ये मेरी एक प्रेफरेंस होगा, यदि मैं जीत के नगर पालिका पहुँच रहा तो जो मोटरसाइकिल से जो बाज़ार के अंदर अव्यवस्था है वो सबसे पहला पॉइंट होगा कि वो अव्यवस्था को दूर करें। अच्छा, तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि पिछले समय में नगर पालिका में उतना अच्छा काम नहीं हुआ है? नहीं नहीं, देखिए ये हम मैं ये किसी को टीका टिप्पणी नहीं कर सकता कि किसने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया है। मुझे खुद अच्छा करना है, मेरी कोशिश होगी कि अच्छा से अच्छा सभी लोगों का सहयोग से अच्छा काम करूँ। जी, जैसा कि आपको कहा जा रहा है कि आपने 60 या 62 लाख रुपए में बीएसपी का टिकट खरीदा है, इसमें कहां तक सच्चाई है? देखिए ऐसा है, बहुत सी पार्टियां में लोग बाग टिकट के दौड़ पर रहे, आप लोगों को ये सुनने को भी मिला कि फला का टिकट हो गया, फला का हो गया। कहने के लिए जो भी कह रहा है ठीक है, वो भी टिकट के दौड़ पर थे और मैं भी था। ये तो पार्टी का डिसीजन था, हाई कमान को किसको देना है। उसके पास कोई प्रूफ तो था नहीं कि मेरा टिकट फाइनल हो गया, वो तो अपने आप में कह रहा था कि मेरा टिकट हो गया है। जी, और ये जो इस तरह से उन लोगों ने लगाया है, मैं उसके खिलाफ मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो उन्होंने ब्लेम लगाया है उसका उसके पास यदि कोई प्रूफ है तो सिद्ध कर दे, मैं आज ही पेपर अपने इसको ड्रा कर दूंगा चुनाव को। जी जी, अच्छा इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि जो बीएसपी का मूल वोट है वो आपके साथ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, तो जो बीएसपी का मूल वोट है वो सारा वोट मेरे साथ है और मेरे साथ में वो सारे लोग चलते भी हैं। जी, अब जैसे है क्या, कुछ लोग प्रेशर लोगों मतलब उनके आदमियों को, लेडीज को देखिए, पूरा मूल वोट उनकी 100-150 लेडीज मेरे वाइफ के साथ जनसंपर्क में बस्ती में जाती हैं। जी जी, तो ये मूल वोट है, अब उनके आदमी तो प्रेशर में दब जाएगा लेकिन लेडीज को कोई नहीं दबा पाएगा। आप देखिए लेडीज जो 100-150 मेरे वाइफ के साथ डेली घूम रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि ये भी कहा जा रहा है कि आपका राजनीति में ये प्रवेश है, तो आपको सही ढंग से राजनीति करना नहीं आती है, ये कहा जा रहा है, कहाँ तक सच्चाई है, क्या लगता है? देखिए ऐसा है, विश्वास मैं ये तो सही है कि मैं राजनीतिक नहीं, लेकिन मेरा ये है मेन मकसद कि नगर पालिका कोई एक राजनीति का ऐसा अखाड़ा नहीं है। मुझे तो नगर पालिकाओं की जो मूल सुविधाएं हैं वो हर पब्लिक, न किसी के साथ द्वेष भावना, मैं इस बस्ती के साथ वो करूँगा। यदि मैं पहुँच रहा उधर, मेरी कोशिश कामयाब होती है तो जो सुविधाएँ मूल होती हैं नगर पालिकाएँ की वो सारे लोगों को उपलब्ध कराऊँगा। जी अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि 24 प्रत्याशी इस चुनाव में लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपके अलावा मुख्य रूप से कौन फाइट में है? देखिए चुनाव जितने भी लोग लड़ रहे हैं, जिसको 10वीं वोट मिलेगा वो भी अपने को जीतता मानता है। मैं इसमें किसी को ये टीका टिप्पणी नहीं कर रहा कि वो हार रहा है कि वो हार रहा है कि ये हार, कुल मिला के मैं ये जानता हूँ कि मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है और मैं ही चुनाव निकालूंगा। ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस विश्वास है, क्योंकि मैं कोई ऐसा राजनीतिक तो है नहीं कि मेरे अंदर गंदगी भरी हो। लोग बागों के जिनके अंदर गंदगी भरी है उनके अंदर छल कपट है, मेरे पास कोई छल कपट नहीं है, साफ साफ। जी हाँ। अच्छा, अंत में यूपी ताज़ा न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात और, क्या आप अपील करना चाहते हैं नगरवासियों से किसी तरह की? मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरा सहयोग करिए और मैं उनके विश्वास में मेरी कोशिश होगी कि खरा ही उतरूंगा, और चाहे वो छोटे वर्ग का हो या बड़े वर्ग का हो, मैं सभी लोगों से मिलजुल के उनसे सलाह लेके इस नगर पालिका में अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। जी, ये
कह रहा है कि नगरवासी मुझसे मेरे कल्चर और नेचर से लगभग लगभग सभी वाकिफ हैं। मैं बहुत नीचे लेवल से आज इस लेवल तक पहुंचा हूं। मैं सभी से विनम्र निवेदन है कि मुझे देखिए, मेरे व्यक्तित्व देखिए, जहाँ जहाँ जिस समय मुझसे मिल सकती है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई बंदिश नहीं है कि आदमी के आने के लिए इंतजार करना पड़े। चाहे मैं रोड पे मिल सकता हूँ घूमते हुए, और घर में तो ऐसा है कि खुला ही रहता है, चाहे जब आओ जितनी टाइम आओ, बंदिश नहीं रहेगा, और अपना काम मुझसे डायरेक्ट करा सकते हैं। इनडायरेक्ट में कोई कमीशनबाजी नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट काम कराएं जो भी मुझसे होता है। मैं पब्लिक के साथ कोशिश करूंगा कि खरा ही उतरूं, विश्वास मेरा रखिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।